Hello everyone, welcome back to my channel Cooking with Rumana. आज मैं आपको एक बहुत ही आसानी से बनने वाली और बहुत ही delicious और nutritious दाल की रेसिपी दिखाने वाली हूँ, जो है दाल पंचमेल. दाल पंचमेल is nothing but it's a mix of five दाल which is cooked together. ये एक्चुअली पांच दालों को मिलाकर एक दाल बनाई जाती है, जो कि राजस्थान का बहुत ही स्टेपल फूड है, जहाँ पर हर घर पे हर दिन ऑलमोस्ट बनता है. ये बहुत ही आसानी से बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी होती है. अगर आप अपनी हर दिन की दाल खा खा कर प्लेन दाल बोर हो गए हैं, तो प्लीज़ अगर आप ये रेसिपी को ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ये आपके लिए हर दिन के दालों के रेसिपी में एक समथिंग अ गुड वेरिएशन. तो चलिए अब आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ और इसका तरीका बताती हूँ. दाल पंचमेल बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले मैंने क्या किया है, वन कप दाल ली हुई है, जिसमें मैंने चना दाल, मूंग दाल और फिर मसूर दाल और फिर होल मूंग दाल और फिर तूर दाल, इन पांच दालों को मिक्स करके एक बॉल दाल ली है मैंने. और मैंने लार्ज एक टमाटर को जैसा छोटा छोटा काट लिया है, फिर एक हरी मिर्च को ऐसा छोटा छोटा इसको भी काट लिया है, फिर हाफ टी स्पून क्रश जिंजर ली है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, सॉल्ट टू टेस्ट है, और फिर थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी धनिया है जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी. और फिर तड़के के लिए मैंने एक टेबल स्पून घी लिया हुआ है. आपको चाहिए तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी के साथ तड़का बहुत अच्छा लगता है और दाल का टेस्ट दुगना हो जाता है. फिर मैंने हाफ टी स्पून जीरा ली है, एक रेड चिली ली हुई है जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1/4 टी स्पून हिंग लिया हुआ है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है बट तड़के में थोड़ा सा रंग होता है और अच्छा टेस्ट करता है, और फिर मैंने एक टी स्पून क्रश की हुई जिंजर ली है. चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी और मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर रख दूँगी. प्रेशर कुकर रखने के बाद मैंने जो दाल ली हुई थी उसी को मैंने अच्छे से धुल दिया है. धुलकर जो इससे मैंने मेजर किया था उसी से 2 कप पानी डालकर अभी मैं दाल को प्रेशर कुकर में डाल दूंगी. उसके साथ ही साथ जो मैंने चॉप टमाटो किए हुए थे वो भी डाल दूंगी, हरी मिर्च और थोड़ी सी जिंजर, सॉल्ट और हल्दी दोनों भी डाल दूंगी. डालकर मैं इसको एक क्विक मिक्स करूंगी. मिक्स करने के बाद मैं इसको अभी 5 सीटियों तक प्रेशर कुक करूंगी. जब 5 सीटियां हो जाएंगी तब मैं इसको बंद करके इसका पूरा प्रेशर जाने तक का वेट करूंगी. तो कुकर के ऊपर जो मैं अपनी नॉर्मली ट्रिक करती हूँ, एक पेपर टॉवल लगाने का, इसको लगाकर क्रश कर देती हूँ और अब मैं 5 सीटी का वेट करूंगी. जब 5 सीटी हो जाएंगी तो मैं गैस को बंद करके इसका प्रेशर पूरा रिलीज होने तक का वेट करूंगी, फिर दाल को खोलूंगी. अभी प्रेशर कुकर की 5 सीटियाँ हो चुकी थी और पूरा प्रेशर चला गया था. देखिए अभी दाल अच्छे से गल गई है. अब मैं इसको साइड में रखकर अभी इसका मैं तड़का बनाऊंगी. सबसे पहले मैं तड़का पैन रखूंगी, गैस ऑन करूंगी. गैस ऑन करने के बाद जो मैंने घी लिया हुआ था वो डाल दूंगी. ही जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें सबसे पहले जिंजर डालूंगी. जिंजर डालकर फिर जीरा डालूंगी. जैसे ये थोड़ा सा दोनों क्रैकल हो जाए, जीरा जैसे ही थोड़ी सी क्रैकल हो जाए, अभी जिंजर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है,
अभी मैं इसमें रेड चिली डालूंगी और उसके बाद हिंग। हिंग डाल के मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, जैसे हल्का सा और ब्राउन हो जाए अभी जिंजर ब्राउन हो गई है, अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद करके तुरंत बाद मैं उसमें रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। रेड चिली पाउडर डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स करके मैं दाल को वापस गैस पे रखूंगी। गैस पे रखने के बाद जो तड़का है अभी मैं दाल में डाल दूंगी। दाल में डालकर जो मैंने हरी धनिया रखी थी चॉप करके वो भी डाल दूंगी। क्योंकि अभी दाल थोड़ी सी थिक है तो उसको मैं क्या करूंगी, जिसमें मैंने तड़का बनाया था उसी में हाफ कप जितना पानी डालकर मैं वापस दाल में डाल दूंगी। अगर आपको और थोड़ा पानी चाहिए तो डाल सकते हैं, पर इतना पानी बहुत है। गैस को मीडियम कर दूंगी और मैं तब तक का वेट करूंगी जब तक दाल में एक बॉयल ना आ जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दाल में एक बॉयल आ चुका है, अभी मैं बंद कर दूंगी दाल। अभी दाल बनके तैयार है, आप इसको रोटी के साथ या गरम गरम राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी एंड इट्स वन ऑफ द वेरी 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 टेस्टी एंड यम्मी दाल। चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।